हाय फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। वन से देखो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन आइडेंटिटी फंक्शन था, सेकंड वन कांस्टेंट फंक्शन था, थर्ड वन पॉलीनोमियल फंक्शन था, फोर्थ वन रेशनल फंक्शन था, फिफ्थ वन मॉडुलस फंक्शन था, सिक्स्थ वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सेवन आई थिंक इंटरचेंज नंबर हो गए, और सेवन था सिग्नम फंक्शन। फिर हमने एडिशनली स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी देखा था। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ फंक्शन तो 11 में इतने ही पढ़ने हैं, आगे जाके 12 में टाइप ऑफ फंक्शन होगा, जैसे कि वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वो सब कंपोजिशन फंक्शन, वो सब 12 में पढ़ेंगे। क्लियर? सो अब ये चैप्टर में लास्ट थियरी बाकी है। जो हम लास्ट थियरी चलाने जाते हैं वो सीबीएसई वाले ने कट की है। अभी जो रिवाइज प्रोग्राम आया कोरोना की वजह से, तो जो सिलेबस कट किया उसमें वो थियरी कट की है, लेकिन हम पढ़ेंगे और उसके एक या दो ही सम है तो वो भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो अब क्या पढ़ना है हमें, तो एलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन। कौन सी थियरी है? एलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन। इट मींस क्या? तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय स्केलर एंड क्वोशन ऑफ टू रियल फंक्शन, ऐसा हमें पढ़ना है। एलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन मींस। क्लियर? सो एलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन, तो उसके पहले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, फिर बाद में आप डेफिनेशन पे आते हैं। क्लियर? तो सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू r, देयर fx इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड z a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। नाउ g इज अनदर फंक्शन फ्रॉम b टू r, देयर gx इज डिफाइंड बाय x माइनस 4 एंड सेट b इक्वल्स टू 3 4 5 इज गिवन। क्लियर? सो हमने टू फंक्शन f एंड g सपोज किया है, उसके फॉर्मूला भी है। ओके अब हमें एलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन देखने से पहले इधर हम कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप जानते हो कि ये x की वैल्यू डोमेन ऑफ f में से ही रिप्लेस कर सकते हो। इट मींस सेट a की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। इट मींस हम f1 f2 f3 f4 एंड f5 डिफाइन कर सकते हैं। कौन से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? f1 f2 f3 f4 एंड f5। f6 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 6 डोमेन का एलिमेंट नहीं है। सो हम ओनली ये 5 वैल्यू ही डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? बाकी कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सिमिलर लेको जी, इधर कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो? तो सेट बी की इज 3 4 5, दूसरी ऐड करते हैं 6 7, तो इतनी ही वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो जी के डोमेन में 3 4 5 6 7 5 वैल्यू है, तो इधर ओनली 3 4 5 6 7 रिप्लेस कर सकते हैं। हमें g1 फाइंड करना हो तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 जी का डोमेन का एलिमेंट नहीं है। क्लियर? इतना तो अंडरस्टैंड हो गया कि इधर कौन सी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो डोमेन ऑफ जी की। इधर कौन सी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं? डोमेन ऑफ एफ की। अब सपोज हम एफ प्लस जी फाइंड करना चाहते हैं, f प्लस जी। सो f प्लस जी ऑफ x, तो इसका मीनिंग होगा fx प्लस gx होगा। नाउ इधर x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? ये दोनों की तो बात हो गई इंडिविजुअली f की और इंडिविजुअली g की, बट f प्लस जी दोनों है, तो x की वैल्यू कौन से रिप्लेस कर सकते हैं? तो सपोज इधर हम 1 लेते हैं, f1 डिफाइन होगा, बट g1 इज नॉट डिफाइन, सो हम इधर 1 रिप्लेस नहीं कर सकते। नाउ टू थिंकिंग करते हैं, तो f2 डिफाइन होगा बट g2 डिफाइन नहीं होगा, तो 2 भी नहीं ले सकते हैं।
थ्री दोनों में कॉमन है तो इधर थ्री पॉसिबल होगा, फोर भी कॉमन है वो भी पॉसिबल होगा, फाइव भी कॉमन है वो भी पॉसिबल होगा, बट अगेन सिक्स एंड सेवन एफ के लिए डिफाइन नहीं होगा, सो इधर सिक्स और सेवन भी पॉसिबल नहीं होगा, सो हम इधर एफ प्लस ए की बात कर रहे हैं तो कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो दोनों की कॉमन वैल्यू मीन्स थ्री फोर फाइव इधर रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर। So, f plus z का डोमेन क्या हो सकता है, अब रिवर्स क्वेश्चन, f plus z of x, x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल हुई, 3, 4, 5, तो अब रिवर्स क्वेश्चन, f plus z का डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन में ओनली 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3, 4 एंड 5, सो डिफरेंट एंगल्स हमें बोलना है कि डोमेन क्या होगा, तो a और b का इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, इट मीन्स एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर आंसर तो एनी रियल वैल्यू होगी, क्या होगी, एनी रियल वैल्यू, क्लियर। सो एफ प्लस जी का डोमेन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस टर्म होगा, सो ए इंटरसेक्शन बी टू आर फंक्शन होगा, एंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, सो ये हमने डिफाइन किया एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, क्या डिफाइन किया, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, नाउ सब्ट्रैक्शन डिफाइन करना है, तो एफ माइनस जी अगेन ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि इधर माइनस होगा फिर भी x की वैल्यू तो 3, 4, 5 ही पॉसिबल होगी, सो f माइनस g ऑफ x इक्वल्स टू f x माइनस g x होगा। नाउ स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k f इज अ फंक्शन फ्रॉम, तो अब इधर g नहीं है, सो डोमेन ऑफ f इज अ डोमेन ऑफ k f, so domain of f क्या था, a, तो kf is a function from a to r where kf of x equals to scalar outside into function fx, scalar को हम x नहीं दे सकते हैं, only function को ही दे सकते हैं, now multiplication define करते हैं, तो f into g is again a intersection b, जहां f और g दोनों दिखता हो वहां इंटरसेक्शन होगा, डोमेन क्या होगा, इंटरसेक्शन, नाउ f into g of x equals to fx into gx होगा, एंड फाइनली क्वोशन्ट ऑफ दिस टू फंक्शन f डिवाइड बाय g, तो उसमें भी f और g दोनों है तो a इंटरसेक्शन b तो लिखा, a इंटरसेक्शन b लिखते हैं, अब suppose f divided by g की बात करते हैं तो इधर x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी, तो हम पहले भी देख चुके थे 3 4 5 ही होगी, बट fx की फार्मूला क्या है, x minus 1 gx की फार्मूला, सॉरी fx की फार्मूला x plus 2 एंड gx की फार्मूला x minus 1, अब हम इधर 4 रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा जो मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, सो वी कांट टेक अ वैल्यू 4 इन दैट एग्जांपल, क्लियर, सो हम x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं, सो a इंटरसेक्शन b तो नहीं होगा इसका डोमेन, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो a इंटरसेक्शन b में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई और कौन सी हुई, तो 4 हुई, तो 4 का g के साथ रिलेशन क्या है, तो हम gx equals to 0 सपोज कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, x minus 4 equals to 0, सो इसका मीनिंग 4, बट हम 4 नहीं ले सकते हैं, इट मींस gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम इधर लिखेंगे minus x such that gx equals to 0, सो gx की वैल्यू 0 करे ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा, 4, तो हमें इधर ओनली 4 आएगा, तो a इंटरसेक्शन b में जो 3 4 5 होता उसमें से 4 निगलेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 3 एंड 5 दोनों इधर पॉसिबल हो गए,
लिया सो क्वेश्चन टू फंक्शन का क्वेश्चन f डिवाइड बाय g कार्डो में क्या होगा a इंटरसेक्शन b माइनस s वेयर gx इक्वल्स टू 0 इधर ऑलवेज सिंगल वैल्यू आती है ऐसा नहीं है डिपेंड अपॉन फंक्शन gx होता है सपोज मैं gx इधर x इन x स्क्वायर माइनस 4x लो तो कौन से वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी सो x into x minus 4 0 लेना है x कॉमन लिया तो x 0 पॉसिबल नहीं होगा x 4 पॉसिबल नहीं होगा सो कौन से वैल्यू निकल करने हैं वो डिपेंड अपॉन फार्मूला ऑफ फंक्शन gx होगा क्लियर नाउ दैट केस a इंटरसेक्शन b minus x वेयर gx equals to 0 2r and f divided by g of x means fx divided by gx होगा क्लियर अब सपोज ऐसा हमने क्रिएट करके रखा है तो उसमें ही हम ये चारों फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डिफाइन करना चाहते हैं क्लियर सो पहले हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन पे इतना तो होगा उसके पहले हमें क्या लिखना होगा तो f plus g is a function from a intersection b means 3 4 5 to r ऐसा होगा नाउ f plus g of 3 डिफाइन कर सकते हैं f plus g of 4 f plus g of 5 ये तीनों वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं इसका मीनिंग होगा f3 plus g3 इसका मीनिंग होगा f4 plus g4 और इसका मीनिंग होगा f5 plus g5 ओनली थ्री वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं नाउ वैल्यू ऑफ f3 तो इधर x की जगह 3 रिप्लेस करना है तो 3 plus 2 5 होगा वैल्यू ऑफ g3 3 minus 4 minus 1 सो आंसर इज 4 होगा क्लियर सिमिलरली f4 क्या होगा 4 plus 2 6 plus 4 minus 4 0 सो आंसर इज 6 f5 5 plus 2 7 g5 5 minus 4 1 सो आंसर इज 8 सो वी कैन राइट f plus z equals to 3 के साथ 4 होगा 4 के साथ 6 होगा सो हम f plus z ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इज इट क्लियर ये एग्जांपल लिया हमने और उसमें हमें f plus z डिफाइन करना हो तो f plus z ऐसे डिफाइन होगा फंक्शन में इतने एलिमेंट हो गए क्लियर अब सपोज हमें f minus z डिफाइन करना हो तो इधर सब जगह माइनस होगा सो सेंटर में माइनस होगा तो इधर माइनस होगा तो 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6 होगा 6 माइनस 0 6 होगा 7 माइनस 1 6 होगा सो ऑल एलिमेंट आर 6 होगा सो 3 6 4 6 5 6 ऐसा होगा वो सब्ट्रैक्शन डिफाइन किया नाउ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना हो तो इधर क्या हो जाएगा सब जगह मल्टीप्लिकेशन तो इधर मल्टीप्लिकेशन सो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 सो माइनस 5 6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 7 होगा क्लियर तो इधर 3 के साथ माइनस 5 4 के साथ 0 और 5 के साथ 7 होगा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने में अब लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस टू फंक्शन हमें डिफाइन करना है तो क्वेश्चन ऑफ दिस टू फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे तो इधर पहले ऐसा लिखेंगे a इंटरसेक्शन b माइनस x दैट gx इक्वल्स टू 0 इट मींस 3 4 5 अब gx की वैल्यू कब 0 होगी तो x 4 टेकन करेंगे तब तो इसमें से 4 सबट्रैक्ट करना है सो 3 एंड 5 ओनली टू रहेगा इट मींस f डिवाइड बाय g डोमेन ऑफ f डिवाइड बाय g इज 3 5 टू r होगा एंड
and f5 g of 5, it means f5 y g5. So f5 equals to 7 hoga aur g5 5 minus 4 1, so answer is 7. So f5 g is function 3 minus 5 and 5 7, only two set of ordered pair possible hoti. So humne charo function aise define kar diya. To ek additional example humne le liya. Clear? Ab इसका यूज करने वाला वन मोर सम है और मिसेलिनियस एक्सरसाइज में है, तो पहले वो हम सॉल्व कर देते हैं, बाद में एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सम हो गया था सेकंड से स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो पहले हम मिसेलिनियस एक्सरसाइज का सम सॉल्व करते हैं. और मिसेलिनियस एक्सरसाइज में सम नंबर 7 है. सम नंबर 7 क्या दिया है? लेट f एंड g बोथ आर फंक्शन फ्रॉम r टू r, मींस डोमेन ऑफ f r, डोमेन ऑफ g r, एंड fx इक्वल्स टू x प्लस 1, gx equals to 2x minus 3. Find f plus a, f minus a and f divided by g. Oh, friend, इसमें हमने theory पढ़ते वक्त क्या लिखा था? F is a function from a to r, g is a function from b to r. ऐसा लेके हमने ये पूरा divide किया है. Clear? Define किया है. Oh, suppose इधर x होता और इधर भी x होता, तो इधर क्या आता? x intersection x means simply x ही होगा. तो ये सब जगह क्या होता? x होता, तो इधर भी x आता, इधर भी x आता, इधर भी x होता, इधर भी x होता, किसकी जगह x होता, remaining term ऐसे भी होगी. तो हमारी टेक्स्ट ने ऐसी डेफिनेशन दी है. सो हमने उससे बेटर डेफिनेशन दी है कि दोनों का डोमेन डिफरेंट हो तो क्या करना है. सेम हो तो बहुत इजी रहेगा. क्लियर? तो अब जब टेक्स्ट में डेफिनेशन दी है इधर x इधर x, तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया था. ऐसा अंडरस्टैंड करोगे कि इधर सब जगह x ही आएगा. बट दोनों का डोमेन डिफरेंट हो तो क्या हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है a इंटरसेक्शन b. सो हमने बेटर डेफिनेशन दी है. नाउ अब हमें f plus a डिफाइन करना है. तो डोमेन ऑफ f r, डोमेन ऑफ g r. सो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g r इंटरसेक्शन r क्या होगा? r. सो f plus g इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g r है. So, हमने f plus g define किया. Similarly, इधर minus होता, तो ये दोनों जैसे भी इधर minus, तो ये दोनों term की sign change होगी. So, minus 2x plus 3 होगा, it means 4 minus x मिलेगा. वो खुद define करना. Now, question. तो f divided by g का domain of f intersection domain of g minus x, where gx equals to 0. So इसका मीनिंग तो r था, अब gx की वैल्यू 0 ले लेते हैं. So 2x minus 3 equals to 0 means 2x equals to 3 means x equals to 3 by 2. So हमें इसमें से only value 3 by 2 subtract करनी होगी. So f divided by g का डोमेन क्या होगा? r minus singleton set 3 by 2 to r, where f by g of x means fx upon
gx होगा. Now fx equals to x plus 1 and gx equals to 2x minus 3. So a quotient of these two functions हमने define किया. Clear friend? Understand होता ही होगा. I hope. Okay. So algebra of two real functions का जो topic था वो CBSE में cut हुआ है. I think Gujarat board में भी cut होगा. तो कितना cut हुआ friend? Only 15 या 20 मिनट का एक पर्सन कट हुआ था, वो हमने पढ़ लिया, जो आगे जाके JEE में आपको काम में आएगा, इसलिए हमने ये पढ़ लिया है. गुजरात बोर्ड कैंसिल करें, फिर भी हमने पढ़ लिया. क्लियर ना? एक्सरसाइज 2.3, उसमें सम नंबर 1 तो पहले हम देख चुके थे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और नहीं. Clear? 2.3 के remaining sum. So, sum number 2. Find the domain and the range of the following function. The range and domain find karna hai, usme first one hai fx equals to minus mod x. Second one, fx equals to square root of 9 minus x square. Here, uska domain or range find karne hai. Oh, domain kya aur range kya? To jo x ki value possible hai iske liye, to wo uska domain hoga. So set of all possible values of x is called the domain of a function. Clear? Or fx ki jo value possible hai, pehle maine x bola tha, ab kya bol raha hu? Fx. Fx ki jo value possible hogi wo range of f hoga. Fx ki jo value possible hogi wo kya hoga? Range of f. Clear? So, once again, set of all possible values of x is for the domain of f, and set of all possible values of fx, that is called a range of f. Clear? So, isme aap x ki value kaun si le sakte ho? Real kuch nahi diya hai, to real number r hi thinking karna hai. To r mein se kaun si value aap idhar le sakte ho? तो कौन से नहीं ले सकते हो वो पहले आप डिसाइड करो. तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. वंस अगेन, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. ऐसे वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं. मींस डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो वैल्यू हमें निगलेक्ट करनी होगी. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1. 1 इक्वल्स टू 0 मैथमेटिक्स में कभी होगा फ्रेंड? नेवर. इट मींस हमें x की कोई भी वैल्यू इधर ले सकते हैं. क्लियर? एवरी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, एवरी रियल नंबर. सो f इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. f इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. सो domain of f real number r होगा. f undefined कब होगा? तो पहले भी बता चुका हूं, फिर once again बता रहा हूं. denominator 0 होगा तो f undefined. इसमें denominator तो 1 है, वो 0 होगा ही नहीं. तो ये every real number के लिए ये function f defined होगा, that is domain of f होगा. now x is a real number. x की कौन से वैल्यू पॉसिबल है? r में से. मींस x हमें कहां लेना है? डोमेन में. क्लियर? और एवरी रियल नंबर का मॉड्यूलस क्या हो सकता है? एवरी रियल नंबर का मॉड्यूलस क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं नेगेटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मॉड्यूलस पॉजिटिव होगा, बट जीरो का मॉड्यूलस जीरो होगा. सो एवरी रियल नंबर का मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होगा. Means greater or equal to 0 होगा. Now हमें इधर fx बनाना है, means इसके आगे minus है, तो दोनों साइड minus 1 से
चुका है इनइक्वालिटी चेंज होगी दैट मींस fx इज लेस और इक्वल टू 0 होगा सो fx की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है सो 0 और उससे स्मॉल इट मींस रेंज ऑफ क्या होगा माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल 0 रेंज क्या होगी माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल 0 आप ऐसा भी लिख सकते हो x that x less or equal to 0 ऐसे भी लिख सकते हो क्लियर सो ये समता हमने डोमेन आर डिफाइन किया और रेंज ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0 डिफाइन किया अब सेकंड सम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है ध्यान रखना ओके फ्रेंड अब मेन क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स में माइनस 4 होता है स्क्वायर रूट के इनसाइड तो क्या होगा तो आप बोलोगे कि ये तो रियल नंबर होगा ही नहीं ये पॉसिबल ही नहीं आप पहले से बोलेंगे कि स्क्वायर रूट के इनसाइड ऑलवेज पॉजिटिव अदरवाइज जीरो नंबर ही होना चाहिए नेगेटिव का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है आपके लिए लेकिन हम आगे जाके चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तब वो डिफाइन होगा लेकिन वो रियल नंबर नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सो रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए जीरो अदरवाइज पॉजिटिव होना चाहिए इट मींस एफ डिफाइन होता है कब डिफाइन होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए सो एफ इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 इसके लिए ही एफ डिफाइन होगा इट मींस 9 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इट मींस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9 अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2 बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स होगा क्या होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस भी होगा माइनस भी होगा और प्लस और माइनस मींस मॉडुलस होगा तो हम लास्ट लेक्चर में या उसके पहले लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन में देख चुके थे क्लियर सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो ऑलवेज मॉडुलस होगा इतना याद रखना Therefore, mod x less or equal to 3. Now, applying property number 3 of modulus function. Applying property number 3 of modulus function. Now, mod remove karte hai. So, minus 3 less or equal to x less or equal to 3 hoga. Ye kahan se dekha? तो आपको बुक में जो लिखा है मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है उसमें थर्ड प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना उसका आंसर इतना होगा क्लियर सो x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी क्लोज इंटरवल माइनस 3 से प्लस 3 मींस डोमेन ऑफ f क्या होगा क्लोज इंटरवल माइनस 3 टू प्लस 3 जो x की वैल्यू पॉसिबल है वो हमारा डोमेन होगा Now we have to find out the range of this function. Clear? So range find करने के लिए हम start कहाँ से करते हैं? X की value लेंगे. X की value क्या होती है domain में? So we will start. X belongs to close interval minus 3 to plus 3. It means minus 3 less or equal to x less or equal to plus 3. X की value domain में ली. इनइक्वालिटी फॉर्म लिखा अब स्क्वायर करते हैं सो पहले इधर ऑब्जर्व करो ये 0 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 अब इतना पोर्शन है अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा बट स्क्वायर करते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा मींस हमारा आंसर किस पोर्शन में मिलेगा 0 टू 9 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है सो जीरो लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9
जितना पॉजिटिव होता है और स्क्वायर करो तो लेफ्ट साइड ऑलवेज जीरो होगा और ये दोनों का स्क्वायर करना है जो लार्ज होगा वो इधर लिखना है। वंस अगेन क्या करना है, एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड ऑलवेज जीरो, बाद में ये दोनों का स्क्वायर करना है जो लार्ज नंबर होगा वो राइट साइड आएगा, तो दोनों का सेम नंबर होगा स्क्वायर करेंगे तो 9। क्लियर? सपोज ऐसा होता कि -4 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2 तो स्क्वायर करते हैं तो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो इधर 0 होगा और ये दोनों का स्क्वायर करो जो लार्ज नंबर होगा वो इधर पॉसिबल होगा सो ऐसा 16 होगा। वन नंबर नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव होता है तब ऐसा होता है। सपोज फोर्थ नंबर आर नेगेटिव, फोर्थ नंबर आर नेगेटिव तो हमें क्या करना है, तो ये दोनों का स्क्वायर करना है जो लार्ज है वो राइट साइड आएगा और जो स्मॉल है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। क्लियर? दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या करना होगा, दोनों का स्क्वायर करना है, स्मॉल नंबर लेफ्ट साइड लार्ज नंबर राइट साइड। और बोथ आर पॉजिटिव होता है तो क्या करना है, सपोज 3 और 5 हुए तो इसका स्क्वायर इधर ही लिखना है, इसका स्क्वायर इधर ही लिखना है। क्लियर? ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर करो जो स्मॉल नंबर है वो लेफ्ट साइड लार्ज नंबर राइट साइड। सो बोथ नंबर आर नेगेटिव अदरवाइज बोथ नंबर आर पॉजिटिव, दोनों का स्क्वायर करना है स्मॉल नंबर लेफ्ट साइड लार्ज नंबर राइट साइड। क्लियर? और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड ऑलवेज जीरो राइट साइड दोनों का स्क्वायर में जो लार्ज नंबर होता है वो आएगा। नाउ हमें सेंटर में ऐसी टर्म क्रिएट करनी है, सो पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फिर उसमें 9 ऐड करते हैं सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर सॉरी माइनस 9 जीरो होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज फिर 9 ऐड किया। क्लियर? और इसको अगेन हम ऐसा लिखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 9 इंटरचेंज करके लिखा, अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू 3 होगा 9 का स्क्वायर रूट, इट मींस 0 लेस और इक्वल्स टू fx लेस और इक्वल्स टू 3 होगा। सो fx बिलोंग्स टू क्या मिला हमें क्लोज इंटरवल 0 टू 3, इट मींस रेंज ऑफ f होगा क्लोज इंटरवल 0 टू 3। क्लियर फ्रेंड? अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं? ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।